हेड ट्वेल्थ क्लास, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। तो हमने लास्ट टॉपिक हमारा किया था जहाँ पे हम कार्बनिक कंपाउंड से बना रहे थे, तो उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम यहाँ पे यूज करेंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से किस तरह से बना सकते हैं, लेट्स सी। अगर हम देखेंगे तो किस तरह से बनाते हैं, कोई भी कार्बन ले लो, कोई भी ग्रुप बनाओ, मैं आपको रैंडम ही बता रही हूँ। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आपको बताया था किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राइजर की, ताकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, OMGX, उसके बाद इसमें हाइड्रोनियम आयन या H2 प्रोवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, MgOH X साइड प्रोडक्ट में निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साथ में OH लग जाएगा, ठीक है, साथ में क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। ये तो मैंने आपको बताया है एज ए जनरल। अब मैं आपको फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड उससे क्लियर करके बताऊंगी। सो इतना आप देख लेते हैं, हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं हमारी। यस सॉरी, आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, मेन मुद्दा है अल्कोहल बनाने का, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, चलो थोड़ी सी क्रिटिकल रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड CH3CH2 MgBr, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, ड्राई इथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है, ड्राई इथर की प्रेजेंस में होगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, CH3CH2 और इसके साथ में मैं, यस बिल्कुल ठीक है, एक CH2 वहां से निकल जाएगा आपके पास, और OMgBr। अब यहां से डिसोसिएट हो गई है, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। तो MgOHBr निकाल दो, प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। OH बन जाएगा, ठीक है। कितने कार्बन ग्रुप थे, 1, 2, 3 थे, 3 लेंगे। जब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो प्रोडक्ट बना प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब मैं सेकेंडरी, सॉरी, अब मैं लूंगी एसिटाल्डिहाइड, फिर मैं लूंगी कीटोन, फिर देखते हैं प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आएगा। एक बार नजर मार लो इस पे फटाफट कि फॉर्मेल्डिहाइड लेने पे, या फिर इसको मिथेनॉल बोल सकते हैं हम, क्या मिला है हमें, प्राइमरी अल्कोहल मिला है। ये रिएक्शन सेम आपकी एल्डिहाइड कीटोन में भी यूज होगी, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अब मैं यहां पे क्या ले लेती हूँ, एल्डिहाइड ले लू, एसिटाल्डिहाइड CH3CH2 क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड होता है, किसकी प्रेजेंस में अगर हम ये करवाएंगे, तो देखो किस तरह से उसके साथ, यस अगर मैं साथ में ले लूँ CH3CH2 MgBr, तो CH3 के साथ R लगा दो, CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। और उसके साथ क्या हो जाएगा, OMgBr, दिखाई दे रहा है आपको, OMgBr। अब यहां से हटाएंगे, H3 पॉजिटिव प्रोवाइड करेंगे, तो CH3 CH OH CH3, ये बना सेकेंडरी अल्कोहल, क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल, नजर मार लो।
इसके बाद में रब करके अगर मैं इसको लिखूं कीटोन, मैं अब यहाँ पे क्या लिख लूंगी, कीटोन लिख लूंगी। तो देखो CH3CO CH3 कीटोन या प्रोपेनॉन हो जाएगा, CH3 CH3 MgBr ले लो, CH3 बस इनफ है, CH3 MgBr। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्चरी के फॉर्म में लगेगा, देख के लेना क्या लेना है। हाँ जी, उसके बाद आप फर्मेंटेशन से भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना। शुगर को अगर आप इन्वर्टेज डालते हो तो एक बार बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, अगर जाइमेज डालते हो तो आपके पास बनता है इथेनॉल। रिएक्शन नोट्स में आपको दे रखी, लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्या बताया मैंने कि अगर आप शुगर में जाइमेज डालते हैं एंजाइम होता है जाइमेज, फर्मेंटेड रिएक्शन में ये क्या बना दिया मैंने यहाँ पे इथेनॉल बना दिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन चल रही है तो हमने यहाँ पे इथेनॉल बना दिया बाय फर्मेंटेशन, इसकी हेल्प से, फर्मेंटेशन की हेल्प से। ठीक है, ये तो थी सारी की सारी अल्कोहल की प्रिपरेशन। अब हम पहुंचते हैं फिनोल के, बहुत सारी रिएक्शन है इसमें, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना सकते हैं। सारे मैंने लिखाऊंगी, बच्चे में बोलते हैं कि मैम नोट्स में जो लिखे जा रहे हैं वो इतनी सिंपल रिएक्शन है, देख लो 12th क्लास में हो गए हो, थोड़े से ना क्वेश्चन उन्होंने अच्छे अच्छे पूछा करो। मैम नोट्स में वो रिएक्शन लिखा है, वीडियो में नहीं बताई, वो करनी है कि नहीं करनी, मतलब थोड़ा सा चला लो इसको, बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, जो बिल्कुल ही सिंपल है उसको मैं इसलिए छुड़वा देती हूँ कि आप उसको इजीली कर सकते हो, अदरवाइज तो मैं सारे टॉपिक आपको करवाती हूँ। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ, क्या डालोगे यहाँ पे, H2SO4 डालो, ओलियम डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे H2SO7, क्या होता है ओलियम, हीट कर देंगे, प्रोडक्ट में बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। सीधा यहाँ से भी रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है, जो आपको सिंपल लगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम NaOH डालेंगे, फिनोक्साइड बनाएंगे, NaOH डाल दो, यस H2O निकाल देंगे, SO3 नेगेटिव हमने पॉजिटिव। अब इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल दो, ठीक है, आप H2SO4 डालो तो एसिड की प्रेजेंस में, क्या बन गया, फिनोल बन गया, साइड प्रोडक्ट निकाल देना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, SO3Na को दोबारा एक स्टेप और देख लेना, तो मैंने इसको जल्दी में करवा दिया, एक बार दोबारा इन्हें डाल दें तो Na बन गया। ठीक है, फिर Na में डायरेक्ट एसिड डालेंगे तो ये फिनोल बन, वो डायरेक्ट स्किप कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्वाइस लेंगे तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली रिएक्शन भी है, सिंपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तो खुद करनी ही पड़ेगी, कोई इलाज नहीं है इसका, कोई भी इलाज नहीं है।
कल को सोचो मैडम ऐसे कुछ नहीं है, आप लिखो, आपको लर्न करनी पड़ेगी, आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी लाज नहीं, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बना सकते हो, कईयों को यही नहीं पता होगा, हैलोजन कर लिया, उन्हें ये नहीं पता बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है। जिन बच्चों को ये भी नहीं पता ना, उनका बेड़ा गर्क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पहले बता रही हूँ मैं, जिन्हें अब तक ये नहीं पता चला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, तो फिर वो ऐसे ही ऑर्गेनिक करेगा, ध्यान रखना। NaNO2 और HCl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना लो, दोबारा बता रही हूँ, दोबारा बताने का मतलब नहीं था, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसमें H3 पॉजिटिव डाल दो, HCl और NaCl निकाल देंगे, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और डायल्यूट इसमें हम हाइड्रोनियम आयन डालेंगे, फिनोल। उसके बाद जो रिएक्शन मैं करवा रही हूँ, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डीकार्बोक्सिलेशन कंप्लीट करनी आ जाती है, नाम से आ जाती है, कैसे भी आ जाएगी, एक्सरसाइज एंटीकाली आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगा, रिएक्टेंट पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 को गायब करना है, फिनोल में आई इसलिए फिनोल बनाने के लिए कि आपको डी का मतलब हटाना, CO2 रिमूव करनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और इसमें हम क्या लेंगे, सैलिसिलिक एसिड लेंगे, यस सैलिसिलिक एसिड, देखो वही क्या होता है बता देती हूँ, OH C डबल बॉन्ड OH। जब ऑर्थो पे फिनोल के साथ ऑर्थो पे COH ग्रुप लगा होता है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक आपने पढ़ा भी होगा, फेस वॉश देखो ना, मेडिकेटेड फेस वॉश पिंपल्स के लिए, किसी भी चीज के लिए, उसमें सैलिसिलिक एसिड जरूर प्रेजेंट होता है। तो इसमें से हमें क्या उगाना है, इसमें से हमें CO2 को रिमूव करना है, तो सबसे पहले मैं इसको फिनोक्साइड आयन को इसमें कन्वर्ट करूंगी, किस तरह से करूंगी, देखो NaCl या CaO डाल दो और हीट कर दो, ठीक है। डाइल्यूट HCl डाल दो, NaOH डाल दो, कुछ भी डाल दो आप, ठीक है। इसमें अगर हम डाल देते हैं NaOH दोबारा से, तो Na2CO3 निकाल दो, Na2CO3 को हटा दिया, बहुत इजी है, डी कार्बोक्सिलेशन नजर मार लो, बोर्ड तो एकदम क्लियर दिख रहा है, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, देख लो फटाफट डी कार्बोक्सिलेशन, कुछ नहीं किया, सैलिसिलिक एसिड लिया, वहां से CO2 को हटाने की कोशिश की है, किसकी फॉर्म में हटाया, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में हटा दिया हमने, NaOH प्रोवाइड करवा के हीट करवा दिया, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन गया फिनोल। उसके बाद एक क्यूमीन प्रोसेस, रोज प्रोसेस और क्यूमीन प्रोसेस है, वो दोनों इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, थोड़ी सी बड़ी होगी ये वीडियो, क्योंकि रिएक्शन लिखना और रब करना उसमें बहुत टाइम जाता है। हाँ जी, यहाँ पे अब हम क्या लेने वाले हैं, रोज प्रोसेस लेने हैं, रोज प्रोसेस इस चैप्टर में भी था हाइड्रो एल्केन में, इसमें हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन ले लो, NaOH प्रोवाइड करवाएंगे, क्या बन जाएगा, क्या कहते हैं, और Na फिर डायल्यूट HCl डाल दो, उसके बाद है क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन गलत प्रोनाउंस मत करना इसको, इसे बोलते हैं क्यूमीन, ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमीन बनाएंगे, बेंजीन ले लो, उसके साथ प्रोपीन लेंगे,
हाँ जी हीट कर देते हैं और H3PO4 की प्रेजेंस में हीट कर लो। टेम्परेचर इतना भी टेम्परेचर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहता। ये क्या है क्यूमीन। अब इसके अंदर मैं O2 करवाऊंगी। ठीक है किस तरह से डालेंगे बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। ठीक करेंगे ये दिख रहा है सी और एच कुछ नहीं करना एक रट्टा मैं मारी सी और एच के बीच में ये ओ घुसा दो ऑक्सीजन है क्यूमिन हाइड्रोक्साइड बना देंगे। हाँ जी उसके बाद क्या करना है इसमें डाइल्यूट H2SO4 प्रोवाइड करना है ऐसे भी फॉर्म में रखना है। एक तो बनेगा प्रोपेनॉल और फिनोल देख लो प्रोपेनॉल और फिनोल बन गया। प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बोर्ड में पूछा हुआ है बहुत बार। ठीक है अब हम कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि कलरलेस होता है अल्कोहल। ठीक है जो लोअर होते हैं वो उनका वेट भी काफी कम होता है और कलरलेस रहते हैं और जो आप आगे बढ़ाओगे उसको उसके अगर हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होंगे वो थोड़े से वैक्सी होंगे। थोड़े से कैसे होंगे वैक्सी होंगे। ठीक है इस बात का ध्यान रखना है हायर अल्कोहल कलरलेस ऑडरलेस वैक्सी थोड़े से वैक्सी वो जरूर होंगे इतने पतले पानी के जैसे नहीं होंगे। उसके बाद हम करेंगे अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखें बहुत इंपॉर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट वाला। बॉइलिंग पॉइंट आप नाम से देख सकते हो आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई ओ और एच के बीच में कौन सी बॉन्डिंग एच बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली क्या हो जाता है हाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लो मैंने बताया था ना एफ ओ एन के साथ अगर हाइड्रोजन लिखते हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर वहां पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली अप हो जाएगा। वन थिंग मोर जितना ज्यादा उसका हाई मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा और ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हमेशा डिक्रीज होगा। ये चीज हम उसमें पढ़ चुके थे भाई। और प्राइमरी का ज्यादा रहेगा सेम मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए इसमें। एग्जाम्पल में नहीं लिख रही हूँ भाई आपको पता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बार बार लिखने का मतलब नहीं। ठीक है कर लेंगे आप बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अप है और ब्रांचिंग के साथ घटता है। साथ में क्या है प्राइमरी का ज्यादा हो जाएगा जो सिंगल स्ट्रेट चेन होंगे ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिक्रीज करेगा। फिर इसका कुछ एसिडिक कैरेक्टर की बात करेंगे एल्कोहल बहुत ही वीक एसिड पानी से भी कम मतलब आप ये देखो आप पानी पीते हो ठीक है तो जो पानी है उससे भी कम है एसिडिक अल्कोहल। ठीक है एक तो सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होता है पानी में सबको पता है जो अल्कोहल लेते हैं लोग जो लोग ड्रिंक करते हैं किसमें मिला के पीते हैं पानी या सोडा ऐसे बोलते हैं ना पानी में या सोडे में तो मतलब पानी में कभी ना जब पानी में मिलती है सोडे में भी मिल जाती है तो छोड़ो इसको इस बात को तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं एल्कोहलेट वाला छोड़ देना उसके बाद इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन में देखूं एसिडिक नेचर देखते हैं। थोड़ा सा इसको जल्दी कराऊंगी टॉपिक को यूं मत बोलना मैम ने भगा दिया ये क्योंकि इतना है नहीं फटाफट फटाफट करने का ये और कॉमन सेंस वाले टॉपिक है ये लिटरली कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है एल्कोहल और लेस एसिडिक का नहीं बोलते
बात सुनो मेरी, जो अल्कोहल रहता है उसमें प्लस आई इफेक्ट है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, समझ में आता है, लेकिन इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट। उसकी वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, वो बढ़ जाने की वजह से हाइड्रोजन को वो छोड़ता नहीं है जल्दी से। और एसिडिक का मतलब क्या है, जो अपना एच पॉजिटिव बहुत जल्दी रिलीज कर दे। अब इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी ज्यादा है प्लस आई इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, कि वो अपना हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज नहीं करता। जो अपना हाइड्रोजन जल्दी से रिलीज नहीं करता वो हमेशा लेस एसिडिक होता है, यू ऑल क्लियर। तो इसमें इतना कोई डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा था, बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट एंड मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, सो इट कांट रिलीज इट्स हाइड्रोजन आयन वेरी इजीली, दैट्स व्हाई alcohols are less acidic than water. H2O में there is no plus ion effect. Less electron density on oxygen. बस बिल्कुल सिंपल है, दो कॉन्सेप्ट याद रखने, एसिडिक नेचर आपका डन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब कोई पूछ ले कि alcohol ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, alcohol या फिनॉल कौन होने चाहिए? मेरी नजरों में मैं कहूंगी फिनोल। फिनोल क्यों? अल्कोहल में ध्यान देंगे, देखो बार बार मैं रासायनिक स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, यहाँ पे आपको आने चाहिए, जैसे क्लोरोबेंजीन के थे वैसे ही उसके, यहां पे आता है प्लस आर इफेक्ट, वहां आता है प्लस आर इफेक्ट, यहां होती है डी लोकलाइजेशन ओवर द बेंजीन रिंग। इस पे ऑक्सीजन पे क्या रहते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन टिके रहते हैं, देख पा रहे हो, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन टिके रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हमेशा मैक्सिमम रहती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि प्लस आर इफेक्ट के होने की वजह से डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइज रहेंगे इसके पूरे के पूरे रिंग के ऊपर, तो फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन ऑक्सीजन एटम, तो हाइड्रोजन रिलीजेस इजीली। भावनाएं समझो यहां पे इस क्वेश्चन में, खुद क्वेश्चन के अंदर ही इसका कैसे आंसर छिपा है। फिनोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों कम है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसलिए ही कम है क्योंकि वहां पे प्लस आर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे पूरी बेंजीन रिंग पे और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ रही है, तो कह रहे जा, उसकी पकड़ मजबूत नहीं है, तो कहेगा जा छोड़ दे, समझ पा रहे हो, हाइड्रोजन को छोड़ देगा तो एसिडिक हो जाएगा। तो एल्कोहल फिनोल बहुत एसिडिक नहीं होते, बट एल्कोहल से तो डेफिनेटली होता है, एल्कोहल तो बहुत वीक एसिडिक होता है, पानी से भी, पानी अपन कंज्यूम करते पानी से भी कम एसिडिक होता है एल्कोहल, ठीक है, फायदा नहीं है ये, कहीं सोचो मैडम फायदे बता रही है एल्कोहल के, एल्कोहल के फायदे नहीं है, घर में बताने वालों को हमारी मैम एल्कोहल के फायदे बता रही थी, कम एसिडिक होता है, कंज्यूम करना गलत है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड देखूं किस तरह से कार्बन के साथ, यहां पर अगर मैं फिनोल ले लेती हूं, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड देखूं मैं, तो सबसे ज्यादा मुश्किल जिसमें यहां पे मतलब किस तरह से फिनोल सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहां पे अगर कोई पूछ ले आपसे फिनोल ज्यादा स्टेबल है या अल्कोहल ज्यादा स्टेबल है, फिनोल ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस होने की वजह से फिनोक्साइड आयन होता है, उसके बाद हमारा प्राइमरी होगा स्टेबल। फिर सेकेंडरी और फिर टर्टियरी, ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या कह रहा है, फिनोल मोस्ट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो OH बॉन्ड वहां पे क्लीवेज क्या हो जाएगा, इजीली हो सकता है, ठीक है, मतलब हेंस क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड कैन इजीली टेक प्लेस।
अब उस मतलब यहां से निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, समझ पा रहे हो? तो यहां से नहीं, यहां पे तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, यहां मुश्किल हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। वाइस वर्सा मैंने नोट्स में दोनों चीजें लिखी है। इसका निकलना इजी है, देखो ध्यान से एक बार, इसका निकलना इजी है, यहां से ऑक्सीजन OH का निकलना मुश्किल है, क्योंकि रेजोनेंस होने की वजह से क्या होगा, बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों चीजें याद रखना, मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया, क्लीवेज ऑफ OH मतलब H ऑक्सीजन से और एक यहां से कार्बन से OH निकलना, दोनों बहुत अंतर है, पूरी की पूरी सिस्टम उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, यहां तक आप प्लीज करके रखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन बाय बाय।